बढ़ती गर्मी से लोग लगातार परेशान है। इस समय टेम्परेचर जो है वो आसमान छू रहा। इसी के साथ हीट वेव के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। जम्मू में इस समय सबसे ज्यादा गर्मी है और ये तस्वीरें आप जम्मू के सड़कों से ही देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस गर्मी के चलते जहां लोग घरों से बाहर निकलने से पहले भी 10 बार सोच रहे हैं, वहीं पर इस समय पुलिस स्टेशन पकाडंगा की बात करें तो यहां पर आज लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत देने के लिए जो शिविर है वो लगाई गई है। आप लोग जानते हैं कि गर्मी में आप देखिए जेकेपी का एक चेहरा ये भी है। जेकेपी किस तरह से लोगों को सर्व करती है वो तो आप लोग जानते ही हैं, पर गाड़ियों में भी आप देखें लोगों तक ठंडा पानी पहुंचाया जा रहा है, लोगों तक शिविर जो है वो पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर सिर्फ जेकेपी ही नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ जेकेपी का दे रहे हैं। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आप देखेंगे, एक बच्चा मैंने अभी देखा यहाँ पर सर्व करता, वो देखें आप, वो छोटा बच्चा जो है वो भी यहाँ से गिलास ले लेकर जा रहा है और वो भी लोगों को देखें आप पानी जो है ये ठंडा पानी दे रहा है। छोटा बच्चा भी जो है वो पूरे पुलिस का सहयोग इसमें कर रहा है। सबसे पहले जो इसका पूरा श्रेय है वो यहाँ के SHO को जाता है, यानी कि SHO पक्काडंगा को जाता है, जिन्होंने लोगों को ये ठंडा पानी जो है वो पिला रहे हैं और लोगों तक जो है वो गर्मी में भी किस तरह से गर्मी से राहत मिल सके इस चीज के लिए काम जो है वो कर रहे हैं। तो आप लोग भी जरूर ऐसे सहयोगी काम में जो सराहनीय काम है इनमें निकलकर सामने आए और सामने आकर कहीं ना कहीं जो है वो लोगों तक ये चीजें पहुंचाएं। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, आप लोग जानते हैं कि अक्सर लोग जो है वो नशे में मुलविज रहते हैं, नशे में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें आज आपको ये भी दिखाना चाहेंगे। हम जब यहाँ पर बाहर पहुंचे तो कुछ तस्वीरें हमने यहाँ से भी देखी जिसमें कि ये चित्र आप बाहर देख पा रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन पकड़ंगा के बाहर की वॉल है जिसपे ये चित्र है, जिसमें कि किस तरह से ये जो पहले नशा तस्कर होंगे ये आपको किस तरह से जाल में फंसाएंगे, जाल में फंसाने के बाद किस तरह से आप जो है नशा जब पहली बार करेंगे तो क्या महसूस करेंगे और उसके बाद आप नशे के अधीन हो जाएंगे और जिसके बाद आप देखें कि आप खुद को इतने अधीन हो जाएंगे कि आत्महत्या करने तक बात पहुंच जाएगी। क्योंकि नशे में जो एक बार इन्वॉल्व हो जाता है ये एक ऐसी चीज है कि लोग इसके बीच जो है वो फंसते ही चले जाते हैं, एक ऐसा जाल है ये। ये चित्र आप देखें, ये सराहनीय कदम, ये चित्र जो है इससे समझाने की कोशिश लोगों को की गई है कि किस तरह से आप लोगों ने नशे से दूर रहना है। अब दूसरी ओर मैं बात करूं तो लोगों तक ये जो पानी पहुंचाया जा रहा है ये भी आप देखें, वो छोटा बच्चा जिस पर बार बार नजर जा रही है, जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से गिलास पकड़ पकड़ के लोगों को दे रहा है, वो छोटा बच्चा सबसे ज्यादा इसमें मेहनत कर रहा है। आप देखें कि कितनी अच्छी ये चीज है, गर्व होता है ऐसी चीज देखकर कि हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर लोग भी जो है वो यहाँ सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुन्नव। कहाँ रहते हो आप? ये कच्ची जागरूक। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों को पानी दे रहे हो, अच्छा लग रहा है ये करके? आपको गर्मी नहीं लग रही? मुझे गर्मी नहीं लग रही, मैंने पी लिया था पहले ही। अच्छा, आपने पानी पी लिया, आपको गर्मी नहीं लग रही है? अच्छा लग रहा है लोगों को ये पिला के? हाँ, अच्छा लग रहा है। चल जाएं आप, ये देखिए छोटा सा बच्चा है, ये भी लोगों को पानी जो है वो पिला रहा है इस गर्मी में। और इसी के साथ फिलहाल की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो इकट्ठा होकर लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए पानी जो है वो पिला रहा है। तो आप लोग भी जरूर इस तरह निकल कर सामने आए, इस तरह क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है तो आप भी कुछ ऐसे छोटे कदम उठा सकते हैं जिससे कि गर्मी से राहत लोगों को मिल सके। SHO हमारे साथ हैं, बातचीत करने के लिए इनसे करना चाहेंगे। सर, ये जो मुहिम आपकी तरफ से उठाई जा रही है किस तरह से आप लोग देखते हैं गर्मी से एक राहत है, क्योंकि हीट वेव इस समय चल रही है, येलो अलर्ट जारी कर दिया है? शुक्रिया आप सभी मीडिया कर्मियों का। तो मैं कहूँगा कि ये इनिशिएटिव सिर्फ पानी पिलाने का ही नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनिशिएटिव लोगों का पुलिस के प्रति एक जो एक हल्की फुल्की नकारात्मकता रहती है ये उसको भी हटाने का एक हमारी तरफ से वो है प्रयास है। और जैसा कि आपने कहा कि येलो अलर्ट हो चुका है, तो इस चिलचिलाती गर्मी में ठंडे पानी की दो बूंदें अगर पुलिस की तरफ से आम लोगों की हलक में उतरेंगी तो शायद ये मेरे और मेरे महकमे के लिए बहुत सम्मान की बात होगी। आम जनता तो आपका सहयोग कर रही है, पर एक छोटा बच्चा भी हमने देखा है, वो भी पूरा सहयोग इसमें कर रहा है। ये मैं कहूँगा ये एक लंगर है और लंगर में सेवा अपने आप हो रही है, जिसमें मैंने किसी को नहीं बुलाया और आप लोगों को भी मेरे ख्याल मैंने कई मीडिया कर्मियों को तो मैं कह भी नहीं पाया और सभी खुद ब खुद आ रहे हैं। एक लंगर है, लंगर में आप लोगों की सेवा मीडिया की है और उन लोगों की सेवा
कोई पानी पिला रहा है, कोई अपने पैसे दे रहा है, कोई कुछ ना कुछ रूह अफजा, कोई चीनी और कुछ ना कुछ इस तरह से लोगों का सहयोग दे रहा है। गर्मियों का मौसम रहता है क्योंकि जो एरिया आपके अंडर आता है इस एरिया में ज्यादा स्टूडेंट्स का आना जाना रहता है क्योंकि ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, कॉलेजेस यहाँ पर है, तो आप किस तरह से देखते हैं अगर कोई अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है सड़क पर गर्मी के कारण तो पुलिस किस तरह से सामने? अनकॉन्शियस होगा तो जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा आपके साथ 24/7। कहीं कोई अच्छी या बुरी बात होती है तो प्लीज हमसे आप संपर्क करें, कोई भी 24/7 हमारा थाना ही नहीं बल्कि पूरी पुलिस राइट फ्रॉम PHQ टू थाना लेवल चौकी लेवल सभी लोग आम लोगों की सेवा के लिए हैं। सर, लोग ये बोल रहे हैं कि खाकी का आज एक अलग चेहरा दिख रहा है। नहीं, चेहरा तो मैं कहूँगा कि थाने के अंदर जो लोग थानेदारों को मिलते हैं तो शायद तब उनको एहसास होता है कि इनका असली रूप क्या है, लेकिन मोस्टली हमारी नेगेटिव न्यूज आती है, धारणा है लोगों की ऐसी, नेगेटिव न्यूज वायरल हो जाती है वो आप लोगों के जरिए ही होती है तो इसलिए शायद हमारी वो छवि होती है। वैसे आम तौर पे हर एक पुलिस वाला राइट फ्रॉम टॉप टू SPO तक सभी अच्छा काम करते हैं। नशे के खिलाफ तो पुलिस सख्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो हमने ये प्रिंट्स पीछे देख पा रहे हैं, हम चित्र देख पा रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको ये कहूंगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि नॉट ओनली J&K बट इन होल ऑफ इंडिया किसी भी पुलिस स्टेशन के बाहर इतनी अच्छी क्रिएटिविटी नहीं होगी। और ये हमारे इधर मित्र हैं शेखर जी जो कि राष्ट्रपति अवार्डी हैं 2 बार, तो मेरे वो मित्र हैं और मेरे कहने पर उन्होंने एक ये छोटी सी कार्टून्स और आज शाम तक शायद उस तरफ और भी लग जाएंगे, ट्रैफिक के भी लग जाएंगे, तो अगली बार मैं आपको उसको कवर करने के लिए कहूँगा। और एक छोटी सी कोशिश है कि आम बच्चे लोग इस चीज से समझें कि नशा हमारे लिए कितना खतरनाक है। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चले, ये फिलहाल स्थानीय SHO हमारे साथ है। आपको बता दें पुलिस स्टेशन पकड़ंगा के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गर्मी जिस कदर बढ़ रही है ये आप देखें, यहाँ पर जितने भी पुलिस अधिकारी पुलिस कर्मी हैं ये तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल सहयोग देते नजर आ रहे हैं। लगातार गर्मी जिस कदर बढ़ रही है ये पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है। देखें आप, पुलिस कर्मी खुद अपने हाथों से जो है वो गाड़ियों के अंदर ये गिलास दे रहे, अच्छा काम फिलहाल किया जा रहा है। और इस बढ़ती गर्मी में ये भी आप जो तस्वीरें हैं वो देख पा रहे हैं, इनसे भी जो है वो जानने की कोशिश हम फिलहाल करेंगे। ये जो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी में लोगों को पानी पिला रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो लोग ब्लेसिंग्स देते हैं वो कैसी? वो भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आपने पकड़ंगा से देखी है, अब इस पर आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय है इस पर आपकी है? आप लोग भी जरूर ऐसे इनिशिएटिव्स लीजिए ताकि गर्मी से लोगों को भी राहत मिल सके और आपको दुआएं मिल सके। देखते रहे आप ऑल द टाइम, फ्यूचर कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत।